हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज की इस वीडियो में वी विल डिस्कस इंटरेस्ट चार्जेबल इन सर्टेन केसेस सेक्शन 234B। लास्ट वीडियो हम लोग ने देखा था, इन लास्ट वीडियो सेक्शन 234A कैसे रन होता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन का वीडियो आने वाला है, वो हम लोग देखेंगे। 234B का भी आएगा। अभी हम लोग सिर्फ थेरेटिकल पार्ट कर रहे हैं कि 234B क्या होता है, फिर उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे 234B क्या बोलता है, 234A बोलता था रिटर्न फाइल नहीं किया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना लगेगा। 234B ये बोलता है कि नॉन और शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, आपको बोला था एडवांस टैक्स भरने के लिए। अब एडवांस टैक्स क्या होता है, उसके सब वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहाँ पर जाके उसको रेफर कर सकते हो और एडवांस टैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो अगर आपने एडवांस टैक्स को नहीं भरा या कम भरा तो उस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा, वो हम लोग 234B में देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है कि ये इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा अगर SSC ने पेड किया है 90% ऑफ एडवांस टैक्स। अभी आपको पता होना चाहिए एडवांस टैक्स जो है वो 4 इंस्टॉलमेंट में भरा जाता है, ठीक है। क्वार्टरली रहता है, जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च। और कितना कितना भरना पड़ता है, 15%, 45%, 75% और 100%। आई बात समझ में? तो ये इंटरेस्ट तब नहीं लगेगा अगर SSC ने 90% या उससे ज़्यादा का टैक्स, तो कभी जब उसने थर्ड इंस्टॉलमेंट भर दिया होगा और फोर्थ इंस्टॉलमेंट पे होगा, तो उसने अगर 90% से ज़्यादा अगर एडवांस टैक्स भर दिया तो 234B एप्लीकेबल नहीं होगा। आई बात समझ में? तो ये 90% का कैटेगरी याद रखना है। फिर क्या याद रखना है कि अगर इनकम टैक्स में चेंजेस हुआ, टैक्स भरना था ना, टैक्स के बेसिस पे एडवांस टैक्स भरते हो आप, ड्यू टू प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1, देन टेक द चेंज इनकम टैक्स नॉट द ओल्ड इनकम टैक्स। आपने एडवांस टैक्स भरा 100 रुपये के हिसाब से, लेकिन आपका प्रोसेसिंग हुआ उसके अंदर आपकी इनकम चेंज हो गई 100 की जगह 120, तो आपको इनकम 100 नहीं लेना है, 120 के हिसाब से लेना है। आई बात समझ में? यस और नो? तो ये दूसरा पॉइंट है। थर्ड पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि टैक्स पेड अंडर सेक्शन 140A सेल्फ असेसमेंट टैक्स, मतलब सेल्फ असेसमेंट टैक्स अगर आपने भरा, ये इंटरेस्ट नहीं है, टैक्स है, टैक्स इज पेड, तो सो कैलकुलेट इंटरेस्ट अप टू दैट डेट ओनली व्हेन द एसेट टैक्स वॉज पेड। मतलब आपको बोला एडवांस टैक्स भरने के लिए, बराबर है, आपने कम भरा लेकिन आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स भर दिया, तो जिस डेट को आपने भरा, तो जब आपने टैक्स भर दिया होगा तो एडवांस टैक्स नील हो जाएगा ना। आई बात समझ में? तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स अगर आपने भर दिया तो उसके बाद जिस डेट को, तो आपने लेट ही भरा होगा, तो आपने जब वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा होगा तो उस ही डेट तक समझो, आपका एक नोशनल एग्जाम्पल देता हूँ कि आपको टैक्स भरना था एग्जाम्पल के तौर पे 1 जनवरी तक, नोशनल एग्जाम्पल है, आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा 15 जनवरी को। आई बात समझ में? तो यहां पे आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स भर दिया तो इस डेट से लेके इस डेट तक का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा अंडर सेक्शन 234B। तो यही बोलता है कि अगर आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स भर दिया तो आपने जितना टैक्स भरा, जब तक भरा, उस ही डेट तक आपको सेल्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा 234B के अंदर। आई बात समझ में? क्योंकि आपको देखो एक सिंपल सा लॉजिक बता देता हूँ, ये जो है कि एडवांस टैक्स ना भरने या कम भरने के लिए है, एडवांस टैक्स टोटली डिपेंड होता है आपका टैक्स कितना है, बराबर है। अगर आपने टैक्स ही भर दिया, लेट ही भरा होगा आपने, अगर टैक्स भर दिया, टाइम पे भर दिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आएगा ही नहीं 234B, लेकिन आपने लेट भरा, कम भरा, बराबर है, और सेल्फ असेसमेंट भर दिया आपने, तो जिस डेट तक भरा उस डेट तक का ही आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आई बात समझ में? यस और नो? फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया है, अब इसका फॉर्मूला है कि इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। इंटरेस्ट इस तरीके से निकलेगा कि भाई आपने एडवांस टैक्स कितना कम भरा है वो बताओ पहला, फिर रेट बताओ और फिर पीरियड बताओ, तीनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहला एडवांस टैक्स शॉर्ट पेड, तो ये कैसे पता चलेगा, तो चेक करना पड़ेगा ना कि एडवांस टैक्स भरा कितना है। तो यही पहला हम लोग देखते हैं कि एडवांस टैक्स कितना कम भरा। तो एडवांस टैक्स शॉर्ट पेड मींस एसेस टैक्स इफ नो एडवांस टैक्स वॉज पेड, मतलब आपने एडवांस टैक्स भरा ही नहीं
तो जितना आपका टैक्स ओरिजिनल था ना, तो 100 रुपीज़ हम लोग ने बताया था एग्जाम्पल के तौर पर, तो 100 रुपीज़ के ऊपर इंटरेस्ट निकलेगा। समझो ये कहा, जब आपने एडवांस टैक्स भरा ही नहीं, 1 रुपया नहीं भरा, लेकिन आपने कुछ एडवांस टैक्स भरा और वो 90% से कम है, तो ये जो 100 रुपीज़ आपने डिसाइड किया था उसमें से समझो 60 रुपया आपने भर दिया, 60%, तो 60 माइनस करो बचा कितना, 40, तो 40 के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो एकदम सिंपल सा है कि जितना टैक्स भरने को आया उसमें से एडवांस टैक्स माइनस कर दो अगर भरा है, तो नहीं भरा है तो जितना टैक्स भरने को आया उसके ऊपर इंटरेस्ट निकालो। आ रही है बात समझ में? तो पहला तो अमाउंट हम लोग को क्लियर हो गया। दूसरा क्या है, रेट है। रेट कैसे फाइंड आउट करने का, तो रेट एक ही है, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। अगर एक दिन भी लेट हुआ तो उसको एक महीना ही कैलकुलेट करेंगे। आई बात समझ में? एक महीना ही कैलकुलेट करेंगे, तो 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। और पीरियड कब से स्टार्ट करना है, पीरियड स्टार्ट करना है, देखो यहाँ लॉजिक भी बताया मैंने कि 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर से काउंट करो। अब इसका लॉजिक देखो यहाँ पे दिया है, क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल से, क्योंकि 90% ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट पर पता चलेगा। आपको क्या बोला है कि 90% से कम है तभी ये 234B आएगा, तो 90% कब पता चलेगा, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे आ जाओगे, और लास्ट इंस्टॉलमेंट कभी है, 15 मार्च, बराबर है कि नहीं? तो 15 मार्च तक आ गए ना, तो आपको पीरियड जो कैलकुलेट करना है वो 1 अप्रैल से कैलकुलेट करना है। और एडवांस टैक्स ये पता होना चाहिए प्रीवियस ईयर में ही भरा जाता है, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च को, तो इसलिए 1 अप्रैल से काउंट करने का। आई बात समझ में? तो रीडिंग नहीं है, थोड़ा लॉजिक एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है वीडियो में, तो आप वो देख सकते हैं। अब 1 अप्रैल से तो काउंट करेंगे, लेकिन कब तक काउंट करने का, कब तक काउंट करने का? तो काउंट कब तक करने का, पहला अगर असेसमेंट हो चुका है आपका, तो जिस डेट को असेसमेंट हुआ, रीअसेसमेंट हुआ, रिकम्प्यूटेशन हुआ, वो डेट तक कैलकुलेट करने का। आई बात समझ में? अब बोलेंगे सर क्यों वो डेट तक का, अरे भाई असेसमेंट होगा तभी तो पता चलेगा ना कितना एसेस टैक्स था, कितना भर दिया था, कितना और भरना है, क्योंकि इनकम चेंज हुई है तो टैक्स भी चेंज होगा। और अगर असेसमेंट ही नहीं हुआ तो टोटल इनकम जो अंडर सेक्शन 143 के हिसाब से हम लोग ने निकाले थे उस बेसिस पे करने का, उस डेट को करने का, मतलब असेसमेंट इज नॉट मेड तो डेट ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ टोटल इनकम अंडर सेक्शन 143 वो उस हिसाब से आपको फाइल मतलब उस डेट तक का करना है। तो ये बेसिक है, तो तीनों चीज़ निकल जाएगी आपकी, एडवांस टैक्स, रेट और पीरियड। इसके बाद दिया गया है कि भाई अगर इनकम इंक्रीज हो जाती है, एग्जांपल के तौर पे ये बेसिक है, ये समझ में आ जाएगा रीड करेंगे तो, अगर इनकम इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू रीअसेसमेंट, इनकम असेसमेंट, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट 153A में आता है, तो इंटरेस्ट हमेशा कैलकुलेट किस पे करने का, एक्सेस पे करने का, क्योंकि बढ़ गई ना इनकम, इनकम बढ़ेगी तो टैक्स बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा तो एडवांस टैक्स बढ़ेगा। आई बात समझ में? तो इंक्रीज हुआ तो एक्सेस अमाउंट पे आपको टैक्स निकालना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। अब ये कैसे निकलता है, तो जो टैक्स आपने पहले डिटरमाइन किया, मतलब जो अभी रीअसेसमेंट और रिकम्प्यूटेशन हुआ वो लो, तो 120 आया था, और ओरिजिनल आपने कितना डिसाइड किया था, 100, तो 20 पे आपको टैक्स आएगा। आई बात समझ में? यस और नो? ठीक है, लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट बोला है, ये सब होने के बाद आपको लगता है यार कुछ मेरे साथ काला कांडी हुआ है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो आपने रेक्टिफिकेशन के लिए अपील किया, रिवीजन के लिए अपील किया, ये सब किया, राइट? और उसकी वजह से दो ऑप्शन हो सकते हैं, अगर आपने अपील किया, रिवीजन हुआ या रेक्टिफिकेशन हुआ, उससे अगर इंक्रीज हो जाता है अमाउंट, तो AO जो होगा ना, एसेसिंग ऑफिसर नोटिस भेजेगा, ये भाई आपका इनकम बढ़ गया, आपको टैक्स ज़्यादा भरने को आएगा। अगर रिड्यूस हो गया तो एक्सेस रिफंड कर दो, भाई आपने ज़्यादा भर दिया, इतना नहीं भरना था आपसे, हमसे, हमारी तरफ से कोई टेक्निकल मिस्टेक हो गई। वही बात है ना, अपने से मिस्टेक हो गई तो टेक्निकल बोलते हैं, और हमसे मिस्टेक हो गई तो हमें नोटिस भेजते। आई बात समझ में? तो अपील किया, रिविजन हुआ, रेक्टिफिकेशन हुआ, इंक्रीज हुआ, तो नोटिस भेजेगा कि भाई एक्सेस है, इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट टैक्स जो भी है वो भरना पड़ेगा। और रिड्यूस हुआ तो बोलेंगे भाई टेक्निकल मिस्टेक था, रिफंड ले लो। तो ये 234B है। तो ये इसका थ्योरेटिकल पार्ट है। अब थ्योरेटिकल में क्या नींद आती है, अब इसका जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो उसमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होकर बाहर आ जाएगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
तो आप गो थ्रू करो, कुछ लगता है कि कुछ मिस हो गया या कुछ और एडिशन होने चाहिए थे या कुछ और तरीके से मतलब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे हम लोग आने वाली वीडियो को उस तरीके से इम्प्रूव कर सके। तो बाय द टाइम जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।